केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सांसद सुदर्शन भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक जनधारण बनी कि देश में मोदी है तो सब मुमकिन है। आज चाहे आज जल मिशन का कार्यक्रम हो, हर गांव में हर परिवार को स्वच्छ जल मिले, क्योंकि पानी हर गांव की कहा जाए पानी पीने की पानी एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश में। आज जल मिशन के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक गांव का लक्ष्य लिया है और एक एक गांव को हम कैसे पीने का हम स्वच्छ जल पहुंचा सकें, इस दृष्टि से जल जीवन मिशन के तहत हर नल के माध्यम से आज एक एक घर के एक एक परिवार को इस मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में आज एक जो बड़ी परिवर्तन दिखलाई देती है, कोविड जैसे वैश्विक महामारी में जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, पूरे देशवासियों को उन्होंने निःशुल्क वैक्सीन देने का ही काम नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को पेट भरने का भी काम किया, उन्हें मुफ्त में राशन देने का भी काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज नई शिक्षा नीति भी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी है, और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि भारत के सभी भाषाओं का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राष्ट्रीय भाषाओं का सम्मान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मिला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।